लिंग में कितने समय तक कठोरता रहती है, इसके बारे में लोग सवाल करते हैं। मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इरेक्शन होना, लिंग कठोर होना, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके, वजाना में अंदर जा सके और सेक्स हो सके, उसके लिए महत्व क्या है? इरेक्शन। अब इरेक्शन जितना ज्यादा कठोरता उसमें आएंगे, जितना ज्यादा कड़क होगा, उतनी ज्यादा एंजॉयमेंट, उतना ज्यादा सेक्स में प्लेजर मिलेगा। बहुत बार लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा इरेक्शन जो है वो इतना ज्यादा कड़क नहीं रहता है, नॉट दैट स्टीफ बोलते हैं लोग, इतना उतना कड़क नहीं जितना चाहिए उतना, क्योंकि फिर लिंग में करीब करीब किसी का 125 से 150 ml या 200 ml तक जो खून अंदर घुसता है वो घुसता नहीं है, तो लिंग उतना कठोर होता नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा खून अंदर जाना लिंग में, उतना ज्यादा वो बड़ा भी होगा, लंबा होगा और टिकेगा भी। मगर कितने समय तक टिकना चाहिए इरेक्शन, वो महत्व का है। यूजुअली कुछ मिनट से लेके आधा घंटा ये नॉर्मल है, मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट से लेके आधे घंटे तक ये टाइम ड्यूरेशन है लिंग का, लिंग में कठोरता रहना। तो लिंग में कठोरता जो आती है वो कैसे आती है? एक तो रिफ्लेक्स हो जाने के, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्सिव इरेक्शन, मतलब विदाउट एनी थॉट, कुछ सोच नहीं रहे, अचानक ऐसे रिफ्लेक्सली आ गई, लिंग में टाइटनेस आ गया, कठोरता आ गई, रिफ्लेक्सिव। नंबर दो, साइकोजेनिक, कि भाई आपको स्टिमुलाय मिल रहे हैं, आपने किसको देखा, किसको सुना, किसके साथ में बातचीत किया और आपको एक्साइटमेंट आ गया, बाद में इरेक्शन आ गया, जो नॉर्मली है। तो और नंबर तीन जो है वो है नाइट इरेक्शंस, नॉक्टर्नल इरेक्शंस या मॉर्निंग वुड्स, वो रात में होता है। मतलब एक नींद यदि आप 6 से 8 घंटे लेते हैं तो कम से कम 3 या 4 बार इरेक्शंस नॉर्मली नींद में आते रहते हैं। तो ऐसे ये 3 प्रकार के इरेक्शंस हैं, और इरेक्शन तब तक रहता है जब तक इजैकुलेट नहीं होता। एक बार वीर्य बाहर निकल गया कि इरेक्शन निकल जाता है, तो फिर आपको सेक्स में ज्यादा मजा करनी है, रखनी है, तो फिर इरेक्शन आने के बाद में ज्यादा समय तक इजैकुलेशन नहीं होने देने का, इजैकुलेशन डिले करने का है, क्योंकि एक बार इजैकुलेट हो गया तो इरेक्शन निकल जाता है। तो कुछ चंद मिनट, 4-5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक नॉर्मल इरेक्शन रहता है कोई भी नॉर्मल व्यक्ति का। यदि वो ज्यादा रहने लगा, मतलब 30 मिनट से 1 घंटे से बहुत ज्यादा इरेक्शन है, तो फिर दर्द होना चालू हो जाएगा और लिंग को तकलीफ होनी चालू हो जाएंगी और लिंग को डैमेज होना शुरू हो जाएगा। यदि 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन रहता है तो उसको बोलते हैं प्रायपिज्म, और प्रायपिज्म मतलब खतरे की घंटी है। तुरंत आपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए कि 4 घंटे हो गए इरेक्शन मेंटेन है, ढीला नहीं हो रहा है, और उसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास में जाके उसको ढीला करवाना पड़ता है, अदरवाइज पेनिस को डैमेज हो जाएगा। पेनिस हो सकता है कि हरदम के लिए खराब हो जाए। तो नॉर्मली इरेक्शन का समय जो है वो 30 मिनट तक है, बढ़ते गया तो आपने अलार्म दिमाग में लगाना चाहिए, मतलब अलार्म बजना चाहिए आपका, कह रहे ज्यादा हो रहा है इरेक्शन, तो अभी ढीला नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास में जाओ, 4 घंटे बाद में तो रुकना ही नहीं। इरेक्शन आपको बढ़ाना है तो आप नेचुरली लाइफस्टाइल अच्छी कर सकते हैं, कुछ दवाई ले सकते हैं, सिलडेनाफिल, टाडालाफिल जैसी, वायग्रा जैसी दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल चेंज करो, नींद अच्छी ले लो, अपने आपस की रिलेशनशिप अच्छी करो, स्ट्रेस एंग्जाइटी से मुक्त रहो, ऐसे काफ़ी सारी बातें मैंने अलग अलग वीडियोस में बोली हुई है, वो यदि करते हैं तो डेफिनेटली इरेक्शन जल्दी आएगा, ज़्यादा समय तक टिकेगा। सेकेंड टाइम इरेक्शन आने के लिए टाइम लगता है, वो आपके उम्र के ऊपर है, यंग है, जवान है, 20 से लेकर 30 साल तक तो सेकंड टाइम इरेक्शन हो सकता है कि 1.5 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा, किसी को 10 मिनट में भी आ सकता है सेकंड टाइम इरेक्शन, मगर हो सकता है कि सेकंड टाइम इजैकुलेशन जल्दी नहीं होगा, वो ड्राई रहेगा। क्यों? क्योंकि उस समय तब तक वीर्य का तैयार होना, प्रोडक्शन उस समय नहीं हुआ होगा, तो वीर्य बाहर निकलेगा नहीं, इजैकुलेशन होगा नहीं, मगर इरेक्शन आ जाएगा और आपको मजा भी आ सकती है। तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड और लेटेंसी पीरियड, जब इरेक्शन सेकंड टाइम होता ही नहीं है, उसको टाइम लगता है, किसको आधा घंटा लगेगा, किसको 2 घंटा, किसको 1 दिन, किसको 8-8 दिन लग सकते हैं, वो रिफ्रैक्टरी और लेटेंसी पीरियड है, और वो जितनी ज्यादा उम्र है उतना ज्यादा समय आपको लग सकता है। तो इरेक्शन ये नॉर्मल प्रक्रिया है। 3 प्रकार की इरेक्शन मैंने बताया,
ज्यादा समय तक इरेक्शन रहा तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।